झारखंड की कुछ चुनिंदा सीटों को छोड़ दें तो इस बार लगभग अधिकतर सीट पर बीजेपी की निजी चुनौती है। इसे समझते हुए पीएम मोदी झारखंड के लगभग हर सीट का दौरा भी कर रहे हैं। 19 मई को पीएम का जमशेदपुर दौरा होने वाला है, जिसके लिए पार्टी से प्रशासन स्तर पर तैयारियां जोरों पर हैं। देखिए हमारी रिपोर्ट। आम चुनाव को लेकर झारखंड में पीएम मोदी का 5 बार कोल्हान में दूसरा दौरा होने वाला है। घाटशिला के मयू भंडार त्राम मैदान में पीएम के जनसभा की तैयारी भी युद्ध स्तर पर जारी है। टेंट बिजली से लेकर सुरक्षा व्यवस्था पर विशेष तौर पर ध्यान भी दिया जा रहा है। जनसभा में प्रत्याशित भीड़ को देखते हुए भव्य पंडाल का निर्माण करवाया जा रहा है और जिला प्रशासन के साथ साथ SPG के जवान भी सभा स्थल पर चौकस है। पीएम जमशेदपुर लोकसभा सीट से बीजेपी के प्रत्याशी विद्युत वरण महतो ही प्रचार करने आ रहे हैं। 2009, 2014, 2019 में बीजेपी को इस सीट पर जीत मिली है। इस बार बीजेपी के सामने इस सीट पर JMM के प्रत्याशी समीर मोहंती हैं। 2019 विधानसभा चुनाव की बात करें तो जमशेदपुर लोकसभा के सभी 6 सीटों में से एक भी बीजेपी के हिस्से नहीं आई है। 6 में से 4 सीट पर JMM ने जनमत हासिल की और अब आशंका जताई जा रही है कि कहीं विधानसभा चुनाव जैसा कुछ लोकसभा में ना देखने को मिले। इस संभावना को शून्य करने के लिए बीजेपी अपना पूरा दम भी फूके हुए है। पीएम मोदी बीजेपी के सबसे बड़े स्टार प्रचारक हैं। इस बार वो झारखंड के लगभग सभी सीट का दौरा कर रहे हैं। बीजेपी किसी भी कीमत पर झारखंड में अपनी मौजूदा जमीन को खोना नहीं चाहती। ब्यूरो रिपोर्ट, TV45। इसी खबर की और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सुमित झा हमारे साथ बने हुए। सुमित, 19 मई को पीएम मोदी जमशेदपुर आने वाले हैं, जहां जनसभा को संबोधित करेंगे और विद्युत वरण महतो के समर्थन में वोट भी मांगेंगे। फिलहाल उनके दौरे को लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है? क्योंकि तो आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल जमशेदपुर दौरे पर आ रहे हैं, जहां घाटशिला के माऊ भंडार स्थित ताम्र मैदान में वे चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। इससे वो भाजपा की जो प्रत्याशी है विद्युत वरण महतो, उनके लिए वोट की अपील जनता से करेंगे। आपको बता दें कि उनका वो 2014 और 2019 में भी जमशेदपुर में सभा को संबोधित कर चुके हैं चुनाव के दौरान, लेकिन पहली बार कोई प्रधानमंत्री घाटशिला के धरती पर उतरेंगे। इससे पहले कोई भी देश के आजादी के बाद में कोई भी प्रधानमंत्री जो है घाटशिला की धरती पर नहीं उतरे हैं। वैसे आमतौर पर माना जाता है कि झामुमो की जो राजनीति है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा मजबूत है, और कहीं ना कहीं ये कारण हो सकता है कि प्रधानमंत्री को भाजपा के प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करने हेतु उनको ग्रामीण क्षेत्र में उतरना पड़ रहा है। देखिए सुमित, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड की धरती पर आ रहे हैं तो साफ तौर पे कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के साथ साथ आम जनता में भी एक अलग उत्साह देखने को मिलता है कि प्रधानमंत्री का चेहरा कोई आ रहे हैं सामने। तो ऐसे में पीएम का ये दौरा बीजेपी के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह भरने वाला है, क्योंकि चुनाव भी है? जी, आपको बता दें कि सिर्फ भाजपा कार्यकर्ता ही नहीं, क्षेत्र की जो जनता है उनमें भी काफी उत्साह है, काफी उमंग है इसको लेकर के, क्योंकि देश के जो सबसे बड़े नेताओं में शुमार है, जो सबसे बड़ा जिनका कद है, वो जब अपने कार्यकर्ताओं के बीच और आम जनताओं के बीच पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उनका मनोबल काफी बढ़ जाता है। और भाजपा कार्यकर्ताओं की बात करें तो वो बहुत ज्यादा उत्साहित है और अपने प्रधानमंत्री को, अपने नेता को सुनने के लिए वो बड़ी से बड़ी संख्या में अपने सभा स्थल पर पहुंचने को उत्साहित है, अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। चूंकि पूरा क्षेत्र को एसपीजी के द्वारा अपने निगरानी में ले लिया गया है और आने जाने वाले हर व्यक्ति पर नजर रखा जा रहा है, तो कुछ दिक्कतें हो सकती है, लेकिन लोगों में उत्साह कम नहीं हो रहा है और ना ही कार्यकर्ताओं में उत्साह कम है, सभी में उत्साह बरकरार है। सुमित, मेरा एक आपसे आखिरी सवाल होगा। देखिए, अगर हम पीएम मोदी की बात करें, एक बड़े स्टार प्रचारक भी हैं बीजेपी से, और जब भी वो आते हैं तो साफ तौर पर विपक्ष को जो है चेतावनी देते हैं कि इस बार हमारी ही जीत होगी, 400 पार के नारे लगते हैं। तो जिस तरीके से लगातार ताबड़तोड़ झारखंड दौरे हो रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, और सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं जबकि बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेता है। कल की बात करें तो अमित शाह का रोड शो हुआ था राजधानी रांची में। तो ऐसे में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर की धरती पर आने वाले हैं तो झारखंड में बीजेपी की पकड़ को कितनी मजबूती मिलने वाली है? जी, आपको बता दें कि पिछले जो लोकसभा चुनाव था जिसमें भाजपा को 12 सीटें आई थी, और इस बार भाजपा दावा कर रही है कि 14 की 14 सीटें
एनडीए गठबंधन के खाते में जाएगी, तो जो सामने वाली यहाँ जो मुख्य दावेदार है यानी समीर मोहंती जो है, जो बाड़ागोड़ा के विधायक है और एनडीए गठबंधन के तरफ से प्रत्याशी भी है, वो भी उनका पकड़ जो है ग्रामीण क्षेत्रों में काफी मजबूत माना जा रहा है। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री मोदी के दौरे के बाद समीकरण में बदलाव देखने को मिलता है, जिस भी क्षेत्र में वो जाते हैं, जिस भी राज्य में वो जाते हैं या जिस भी जिला में वो पहुंचते हैं, वहाँ समीकरण में उनके उनके सभा के बाद में काफी बदलाव देखने को मिलता है और जनता जो है उनको सुनने को बेताब रहती है, उनके उनके प्रति मोहित हो जाती है। तो कहीं ना कहीं उनके सभा, प्रधानमंत्री के सभा होने के बाद में बदलाव के भी आसार दिख सकते हैं। जी सुमित, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो बता दें आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जमशेदपुर पधारने वाले हैं, 19 मई को जनसभा को संबोधित करेंगे घाटशिला में, जिसे लेकर तमाम तैयारियां भी की गई है। और यह भी कहा जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी के आगमन से कहीं न कहीं बीजेपी कार्यकर्ताओं में भी एक अलग उत्साह देखने को मिलेगा और झारखंड में बीजेपी को मजबूती भी, क्योंकि अगर हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर ले तो बड़े चेहरे हैं और बीजेपी के बड़े स्टार प्रचारक के रूप में भी हर जगह पर वो दौरा कर रहे हैं।